शासन द्वारा नसबंदी पखवाड़ा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है जनपदों में, सर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो सर कि क्या देखा जा रहा है कि अभी कितने लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और कितने लोगों का अब तक किया गया है? जी, शासन के निर्देशानुसार पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें महिला और पुरुष लोगों को नसबंदी कराने हेतु प्रेरित किया जाता है और फिर जो पात्र होते हैं उनका यहाँ CH हॉस्पिटल ला करके उनकी नसबंदी कराई जाती है। उससे कोई नुकसान सर? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है और परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग माना जाता है ये, और इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लोगों में जो एक भ्रांति होती है कि किसी तरह की कमजोरी आ जाएगी या कुछ आ जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। सर शासन से कुछ उनको धनराशि भी दी जा रही है क्या? जी, महिला पुरुष नसबंदी पे 3,000 रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। जैसे ही आप नसबंदी कराते हैं तो हम आपके दस्तावेज लेकर के आपका पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, और 400 रुपये जो प्रेरक होता है उसको भी सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, जो लाभार्थी को काउंसिल करके लेके आता है सेंटर। सर अगर नसबंदी का जिस तरीके नसबंदी की गई वो फेल होगी तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं, शायद उसके लिए मुझे गाइडलाइन देखनी पड़ेगी, उसके गाइडलाइंस हैं प्रॉपर। जी ऐसा, हालांकि लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि नसबंदी फेल हो जाए, और ना तो इसकी 99% सक्सेस रेट है इसका।